जब मैं नास्तिक था तो ये सोचता था कि लोग कितने मूर्ख हैं, एक मामूली से तारे की पूजा करते हैं सूर्य देव बना के। लेकिन फिर एक अनुभव हुआ। 2 साल पहले के छठ पूजा के सुबह में कोशी नदी के किनारे मुझे कुछ रियलाइजेशंस हुए। समझ आया कि मूर्ख मैं था। आगे बताता हूँ। यहाँ बिहार में छठ पूजा की बहुत मान्यता है और जिस डीटी की पूजा होती है छठ में वो सूर्य देव ही हैं, बट माँ के रूप में, फीमेल फॉर्म में। तो इन्हें सूर्य देव की बहन कहा जाता है क्योंकि बहन भाई एक ही सोर्स से, एक ही माता पिता से उत्पन्न होते हैं, तो वो एक दूसरे के फीमेल और मेल वर्जन होते हैं। वैसे हाँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार में एक छोटा सा शहर है पूर्णिया, जिसका अर्थ होता है कमल या जहाँ कमल खिलते हैं। यहाँ हमारे भाषा में कमल को पुड़ैन कहते हैं और पुड़ैन के पत्तों में लिट्टी चोखा खाई जाती है। खैर, तो यहाँ छठ पूजा प्रिवेलेंट है और क्योंकि पूर्णिया पश्चिम बंगाल के बहुत करीब है तो लोग माता के स्वरूप की उपासना अधिक करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के बाद तो और भी। तो उसी तरह माँ का ही एक रूप है छठी मैया। लेकिन वास्तव में, जैसा कि हम आगे जानेंगे, यह पूजा शिव और शक्ति की बहुत ही प्राचीन उपासना है। छठ पूरी तरह से एक वैदिक और तांत्रिक पर्व है। छठ में जो डेकोरेशन होता है पूरी तरह नेचुरल, इको फ्रेंडली। केले के पत्तों से डेकोरेशन होता है। प्रसाद भी पूरी तरह नेचुरल, बिल्कुल जैसे वैदिक काल ही हो। वेदों में सूर्य देव की उपासना होती थी। ऋषि मुनि व्रत रखते थे और उनकी उपासना करते थे ऋग्वेद के मंत्रों से। फिर त्रेता युग में सूर्यवंशी भगवान राम और माँ सीता सूर्य और शिव की उपासना करते हैं। यहाँ बिहार में कहीं कहीं छठ को सीता मन पत्थर कहते हैं। कहा जाता है कि सीता माँ ने ही सर्वप्रथम छठ पूजा की थी। फिर द्वापर युग में अंगराज कर्ण ने किया था। अंगराज अर्थात अंग देश के राजा, और अंग देश अभी बिहार का भागलपुर है। तो इस पर्व का जो रूट है ना, वो बहुत पुराना है। सूर्य की उपासना प्राचीन है। महाभारत और रामायण हमारे इतिहास, इसमें सूर्य देव और शिव को परमेश्वर दिखाया गया है। महाभारत में सूर्य देव के लिए लिखा गया है कि आप ब्रह्मांड के नेत्र हैं और सभी भौतिक अस्तित्व की आत्मा हैं। आप सभी प्राणियों के मूल हैं और धार्मिक पुरुषों के कृत्यों के अवतार हैं। आप सांख्य के लक्ष्य हैं और योग के अंतिम स्तर हैं। आप एक द्वारहीन द्वार हैं और मुक्ति की इच्छा रखने वालों का लक्ष्य। आदि शंकराचार्य के पंच मुख्य संप्रदायों में से एक सौर संप्रदाय है। जैसे वैष्णव विष्णु को अपना आराध्य देव मानते हैं, वैसे सौर सूर्य को। ये एक तांत्रिक सेक्ट है और तंत्र में बस शिव और शक्ति की ही आराधना होती है। लेकिन ये सब मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि ये बस नेचर वर्शिप है, क्योंकि सूर्य जीवन के लिए आवश्यक है तो हम उन्हें भगवान की तरह देखते हैं। ये मिसकॉन्सेप्शन चेंज हुआ आज से 2 साल पहले, मेरी साधना के पीक पॉइंट पे। छठ के समय सुबह हम कोशी नदी के किनारे थे, सब पूजा कर रहे थे, लेकिन मैं दूर एक किनारे पे था क्योंकि लाउड स्पीकर्स और पटाखों की आवाज परेशान कर रही थी। मैं सुखासन में बैठा था और लाल आकाश को देख रहा था। ये बचपन की आदत है, आकाश को देखना। सूर्योदय हो रहा था, अंधकार खत्म हो रहा था, ठंड थी मगर
सूर्य के निकलने से राहत मिल रही थी। देखते देखते आभास हुआ कि क्या यही चेतना है जो अंधकार रूपी अज्ञान का नाश करती है। सूर्य बादलों के बीच बिल्कुल शिवलिंग जैसे प्रतीत हो रहे थे। मैं भाव विभोर हो गया और ध्यान करने लगा। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि शिव और शक्ति दोनों के प्रतीक हैं सूर्य, क्योंकि जैसे सूर्य जीवन के कारण है, प्रकाश के कारण है। बिना सूर्य के पौधे नहीं होंगे और बिना पौधों के हम इंसान नहीं होंगे। सोलर सिस्टम को सूर्य ही सस्टेन करते हैं, हर प्लैनेट को जोड़े हुए हैं। उसी तरह माँ आदि शक्ति है संसार में जीवन की कारण, वही इस संसार को चलाती है, वही महामाया है, वही स्रोत है हर व्यक्त और अव्यक्त, ज्ञात और अज्ञात चीजों की। पुराण इत्यादि ग्रंथ में भगवान विष्णु संसार के संचालक हैं, लेकिन तंत्र में देवी आदि शक्ति हैं। 10 महाविद्या के बारे में आपने सुना होगा, वह उन्हीं के रूप हैं। माँ ताड़ा, त्रिपुरा सुंदरी, बगलामुखी, माँ काली इत्यादि, और मुंडमाल तंत्र, टोडल तंत्र, इन सब के अनुसार यही 10 महाविद्या 10 विष्णु अवतार बने। कृष्णश्च कालिका साक्षात राम मूर्तिश्च तारिणी। कृष्ण ही काली है और राम देवी ताड़ा है। महाकाल संहिता में लिखा है, स्त्रीणा त्रैलोक के चातना कामोन मादेक हेतवे, वंशीधर कृष्ण देहम द्वापरे संचकार है। अर्थात द्वापर युग में स्वयं काली कृष्ण के रूप में अवतार लेती है और अपनी सुंदरता से तीनों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सूर्य ही आदि शक्ति है। मुझे एहसास हुआ कि सूर्य शिव के भी सबसे सुंदर प्रतीक हैं। वेद और तंत्रों में सूर्य और शिव दोनों को महाकाल कहा गया है। जैसे स्थूल जगत में मैक्रोकॉस्म में सूर्य अंधकार को खत्म करते हैं, अज्ञान को खत्म करते हैं, वैसे ही सूक्ष्म जगत में हमारे भीतर मौजूद चेतना अज्ञान अंधकार का नाश करती है, हमारी कॉन्शियसनेस शिव। सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट कहा जाता है, लेकिन हमारे अंदर प्रकाश का अल्टीमेट सोर्स क्या है? अगर आंखें नहीं रहेगी तो फिर चाहे हजारों सूर्योदय हो जाए, हजारों सनराइज हो जाए, लेकिन हम अंधकार में ही रहेंगे। तो आंखें हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट? नहीं। अगर माइंड नहीं रहेगा तो हम आंख रहते हुए भी अंधे हैं। अगर माइंड किसी और दुनिया में रहता है तो आपके सामने क्या हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कह सकते हैं कि माइंड ही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट? नहीं, माइंड के ऊपर भी चेतना है, कॉन्शियसनेस। अगर हम कॉन्शियस ही ना रहे, अगर हम अनकॉन्शियस रहे, तो माइंड आंखें सब होने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं दिखेगा, कुछ महसूस नहीं होगा। तो स्थूल जगत में जिन्हें सूर्य कहा जाता है, वही सूक्ष्म जगत में चेतना है। इसलिए महाभारत में कहा गया है, आप ब्रह्मांड के नेत्र हैं और सभी भौतिक अस्तित्व की आत्मा हैं। आप सांख्य के लक्ष्य हैं और योग के अंतिम स्तर हैं। सूर्य को हम इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि क्योंकि वो बस एक ताड़ा है। सूर्य शिव और शक्ति के ही प्रतीक हैं, जैसे शिवलिंगम है। आप में से एक व्यूअर पूछ रहे थे कि शिवलिंगम के बारे में बताएं, तो सुने, शिवलिंग के दो भाग हैं, लिंग और योनि। लिंग पुरुष का प्रतीक है और योनि प्रकृति या स्त्री का। योनि शक्ति है, लिंग शिव है। जैसे आसाम में माँ कामाख्या शक्ति पीठ है, वहां योनि की पूजा होती है। योनि अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो नेचुरली देवी का प्रतीक है। और लिंग का अर्थ होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो शिव का प्रतीक है। तो अगर हम एक पत्थर को स्थापित कर दें
और उसे लिंग भगवती या लिंग दुर्गा नाम दे दे, तो ये बस मूर्खता है और कुछ नहीं, क्योंकि लिंग पुरुष चिन्ह है, दुर्गा या भगवती का नहीं, शक्ति के लिए योनि है, जो हमेशा शिवलिंग में आपको दिखेगी ही दिखेगी, क्योंकि योनि के बिना शिवलिंग अधूरा है। तो यही सच है, लेकिन बस आक्रमणकारियों के नैरो माइंडेडनेस से हमारे मंदिरों को बचाने के लिए इसका अर्थ बदल दिया गया, और समय के साथ साथ हम भूल गए कि अपवित्रता किसी वस्तु में नहीं, हमारे अपने मन में है। वास्तव में शिवलिंग का अर्थ है शिव और शक्ति मिलन की स्थिति में। शिवलिंगम का अर्थ है सदा शिव, अर्धनारेश्वर, शून्य, परम ब्रह्मा, संतुलन, यिन और यांग, यही शिवलिंग है। इनफैक्ट चाइना और जापान में जो ये यिन और यांग शब्द है, ये लिंग और योनि से ही आया है। तो अगर एक पत्थर को हम शिव और शक्ति का प्रतीक बना सकते हैं, तो सूर्य देव को क्यों नहीं? शिवलिंग में किसी को दिव्यता दिखे अथवा ना दिखे, लेकिन सूर्य को देख के किसी अज्ञानी को भी एक अद्भुत दिव्यता स्वतः ही महसूस होगी, वो असीम शक्ति महसूस होगी, वो चेतना का प्रकाश महसूस होगा, शिव और शक्ति महसूस होंगे। मैं भी उन्हीं अज्ञानियों में से एक था। तो बस फिर इस रियलाइजेशन के बाद मैं उठा और सूर्य रूप शिवलिंगम को नदी में उतरकर जलाभिषेक किया और गायत्री मंत्र का जाप किया, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं इसे अपने भाषा में समझाता हूँ, जो मैंने अनुभव किया उसके आधार पे। ओम, तीन लोक हैं, भूर, भुव और सुव, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम इन तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले उस प्रकाश, उस ज्योति, उस तूर्य की महिमा का चिंतन करते हैं। वरेण्यम, जो सबसे श्रेष्ठ दिव्यता है, जो इस प्रकाश का स्रोत है, हम ध्यान करते हैं धीमहि इस प्रकाश के स्रोत का, ताकि वो न प्रचोदयात हमारी बुद्धि को निषेचित करे। जैसे सूर्य के प्रकाश से ही कमल खिलता है, वैसे ही आपके प्रकाश से हमारा बुद्धि रूपी कमल खिल उठे, प्रफुल्लित हो जाए और हमारे अंदर के अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से भर जाए। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।